हमारे ससुर को भी यही बोल रहे हैं कि तुम्हारे दामाद को भी मार डालते, तुम्हारे को भी मार डालते, तुम केस उस करेंगे, वो करेंगे बोल के ऐसी धमकी दे रहे हैं। आप दोनों का रिश्ता चुरा देते हैं, आपके आपके वालिद साहब को जो है सो मार देते हैं आपके। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एटीएन टीवी एनी टाइम न्यूज। बहादुरपुरा पीएस हुदूद में किशनबाग के असद बाबा नगर में हुआ एक दुर्घटना। इब्राहिम कुरैशी नामी शख्स ने एक औरत के साथ जबरदस्ती घर में घुसकर गैंग रेप करने की कोशिश की और घर वालों को धमका कर कहा अगर कोई पुलिस कंप्लेंट करने की कोशिश की तो जान से मार देने की धमकी दी। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद हसीब की ये रिपोर्ट, आइए दिखाते हैं हम आपको ये खास खबर। किशनबाग असद बाबा नगर एरिया, कल रात मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करे, ब्लैकमेल करे। कल मेरे मुमेरे भाई, पापा के मुमेरे भाई आए थे बात करने के लिए, कुछ या मिलने के लिए आए थे, तो उनका फ़ोन खींच लेते मेरे को, मेरे मैं उठाई, मेरे पास था पापा का फ़ोन, तो मैं कॉल रिसीव करे तो मेरे को ब्लैकमेल करके बोले कि तुम्हारे कौन है ये पूछे। पहले अवेज नाम का एक बच्चा फ़ोन उठाया, बोले कि कौन है ये, किधर से आए, कौन है, कहीं को आए, मैं नहीं मालूम उनका नाम क्या है, पूछे। सोहेल है, सोहेल तो ठीक, कहीं को आया पर बोलते नहीं मालूम, तो आपको कहाँ होना पूछे, तो पापा के रिलेटिव है आए, तो तुम्हारे से कहीं को मिलने आए, वो तो मेरे से मिलने नहीं आए बोली। फिर उसके बाद इब्राहिम कुरैशी नाम है, यहाँ पर सामने बस्ती में रहते, उन्होंने फ़ोन ले लेकर ब्लैकमेल करे, कौन है, किधर आए, आपके हस्बैंड को बोलते हैं कि ये आपके आसिफ भाई बोलते बोले। फिर आप दोनों का रिश्ता चुरा देते, आपके आपके वालिद साहब को जो है सो मार देते, आपके हस्बैंड को बताते अगर घर में किसी को नहीं उठाना, अगर उठाए तो ये ब्लैकमेल कर रहे थे बदतमीजी करने। उसके बाद घर में आ गए, दरवाज़ा थोड़ा खुला था तो अडेरे घुस के आके बदतमीजी करने की कोशिश करे। रूम में मैं मेरी बहन बैठे रहे थे, उसके बाद मैं आंगन में गई हॉल में, तो वहाँ पर आके मैं बदतमीजी करने की कोशिश करे, मेरा मुंह बंद कर दिए। उसके बाद बाहर चले गए, जब हमारे हस्बैंड बाहर आके देखे तो उन्हें जब बाहर से जा रहे थे। मैं असद बाबा नगर किशनबाग बहादुरपुर का रहने वाला हूँ, मेरा ससुराल भी असद बाबा नगर किशनबाग का है। मेरे वाइफ के साथ कल एक हादसा पेश आया, एक इब्राहिम नामी शख्स और गैंग रेप करने की कोशिश किया और हरासमेंट करके उनको घर पे घुस के गैंग रेप करने की पूरी साजिश कोशिश किया। और मैं वाक़े पे, मेरे को बस्ती के बच्चे लोग बोले कि ऐसा हो रहा है, वाक़या हुआ है, मैं उसी टाइम पे जाकर चेक किया तो इब्राहिम कुरैशी बोल के है, उसी टाइम पे वो घर में से बाहर निकल रहा था, तो मैं उनको पूछा कि क्या भाई किधर आए, उनके पूछा तो वो नहीं बोल रहा कि नहीं, वो दूसरा बच्चा एक ऐसा आया था उसके बारे में डिटेल पूछने गया था बोल के बोला। मैं बोला कि उनके वालिद साहब को उठाए थे क्या, वालदा को उठाए थे क्या, पूछा तो मैं उसका जवाब नहीं देके वो वहाँ से फरार हो गया। फरार होने के उसमें फिर मैं वो दूसरा बच्चा है बोल के इधर उधर बोले तो मैं दूसरा गली इधर उधर चेक करने की कोशिश करा, कोई नहीं मिले। इब्राहिम कुरैशी को मैं देखा लाइव और इब्राहिम को पूछा तो इब्राहिम कुछ नहीं बोल के इब्राहिम भी वहाँ से फरार हो गया। तो इब्राहिम के साथ कोई थे और अभी इब्राहिम के संगात एक और शख्स है, उसका नाम कहाँ के रहने वाले है, वो भी असद बाबा नगर के रहने वाले हैं। इब्राहिम कहाँ के रहने वाले हैं? इब्राहिम भी असद बाबा नगर के रहने वाले हैं। तो आप अभी क्या चाह रहे हैं, अभी आपके साथ इंसाफ होना चाहिए, क्या चाह रहे हैं? मैं पुलिस कमिश्नर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे को इंसाफ की जरूरत है, मेरे को इंसाफ चाहिए। आप कंप्लेंट करा इसके ऊपर? जी हाँ, मैं एट ए टाइम पे 4 o'clock को जाके कंप्लेंट कराया। कौन से पीएस में करा? बहादुरपुरा पीएस में कंप्लेंट कराया। कंप्लेंट आपका ले लिए? कंप्लेंट ले लिए, कंप्लेंट लेके मैं 5 से 6 वक्त पीएस को गया, उसके बाद मेरे को कोई पीएस से रिस्पांस नहीं मिला और पीएस में मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिला कोई, और मेरे को आगे बोलने की, मैं जाके भी बताया और मेरा एक
पीएस में दे के भी अब 24 आवर्स होने आता है। ये कंप्लेन नंबर है, ये कंप्लेन नंबर से मेरे को कोई इंसाफ नहीं मिला बहादुरपुरा पीएस से मेरे को। तो अब अभी क्या चाह रहे मीडिया की तरफ, क्या अपील करना चाह रहे हो? मैं मीडिया के थ्रू से अपील करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि मेरे को सख्त से सख्त इंसाफ की जरूरत है साहब। पुलिस वाले भी एक्शन भी लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। पुलिस वाले इसके ऊपर अभी तक कुछ तहकीकात करे? जी नहीं, कुछ जाके इंक्वायरी करे? कुछ भी नहीं करे पुलिस वाले, कुछ नहीं बोले। मैं 5 वक्त पीएस को गया, उन्होंने 5 वक्त भी बुलाए, 5 वक्त भी गया, इनको लाओ बोल के मेरे को भेज दिए। मैं 4 बजे को भी जाके कंप्लेंट दिया था तो उस टाइम पे भी मेरे को रिस्पांस नहीं मिला कुछ भी। इब्राहिम कुरैशी मेरे ससुराल को, मेरे को जान से मारने की धमकी दिए, मेरे ससुर को भी जान से मारने की धमकी दे रहे। इब्राहिम कुरैशी है कौन, क्या है उनका पेशा, क्या है, क्या काम करते हैं? उनके ऊपर पहले से ही केस है, ऑफ मर्डर केस है, ऐसे केसा है। और उन बस्ती में ऐसे रहते, कोई वहां से लेडीज जाने के लिए भी प्रॉब्लम होता है। और रही बात कि हम लोग को बता रहे हैं कि हमारे ससुर को भी ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे दामाद को भी मार डालते, तुम्हारे को भी मार डालते, तुम केस उस करेंगे, वो करेंगे बोल के ऐसी धमकी दे रहे हैं आके। मेरे को इंसाफ चाहिए साहब प्लीज। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निसार है।